मुरैना में अवैध पटाखों में हुए ब्लास्ट के बाद ग्वालियर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखा बना रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने पटाखे बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की। खास बात यह है कि आरोपी किराए के मकान में कमरा लेकर अवैध रूप से धमाके के साथ फटने वाले पटाखे बनाने का काम करता था। उल्लेखनीय है कि शनिवार दोपहर मुरैना के इस्लामपुरा इलाके में अवैध पटाखों में विस्फोट हो जाने के चलते एक मकान पूरी तरह से धराशाही हो गया, जबकि तीन अन्य मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट के बाद धराशाही हुए मकान के मलबे में एक महिला व एक बच्ची के दबे होने की आशंका है। इसी के बाद ग्वालियर पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार देर शाम इंदरगंज थाना अंतर्गत शिंदे की छावनी स्थित रिहायशी इलाके में खल्लासीपुरा में स्वर्गीय कैलाश पाल के घर दबिश दी, जहां मकान के बरामदे में एक व्यक्ति खुले में फर्श पर धमाके के साथ फटने वाला सुतली बम बनाता मिला। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम छोटू उर्फ शाहिद खान बताया। शाहिद जलाल खान की गोठ स्थित गेंडे वाली सड़क का रहने वाला बताया गया और किराए के मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम कर रहा था। पुलिस ने जब आरोपी से विस्फोटक के निर्माण संबंधी लाइसेंस या दस्तावेज दिखाने को कहा तो वो कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। मौके से पुलिस ने सुतली बम बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग 1 किलो बारूद, 1100 बत्तियां, 11 गड्डी सुतलियों की गड्डी के 46 नग प्लास्टिक का डिब्बा और एक कैची बरामद की। पुलिस ने आरोपी छोटू शाहिद खान के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए इसकी विधिवत गिरफ्तारी कर ली है। इंदरगंज थाना अंतर्गत खल्लासीपुरा क्षेत्र में एक युवक किराए का कमरा लेकर के पटाखे बना रहा था। उसके पास से लगभग पटाखा बनाने की सामग्री हजार की संख्या में उसने अभी तक सुतली बम करके पटाखे होते हैं उनको बनाने का कार्य किया जा रहा था। इनके पास से लगभग अभी 1 किलोग्राम असली जो रॉ बारूद होती है वो हमने अभी बरामद की है। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार करके थाने में लाया। अभी इसे ये लगभग 1 साल पुरानी बारूद उसके पास रखी होना ये अपने पास से बता रहा है। उसके पूर्व कहाँ से लाया गया ये विवेचना में शामिल किया जाएगा, जांच किया जाएगा। अभी हमारा प्रयास ये है कि इसके माध्यम से और भी जो पटाखा कारोबारी हैं जो इस प्रकार के अवैधानिक तरीके से पटाखा निर्माण का कार्य कर रहे हैं जिससे आसपास के लोगों की जान को खतरा रहता है, उनको चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।